इस बहन को 20 सालों से शैतान ने सताया था, देखेंगे इस गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सालू है, मैं मंडी की रहने वाली हूँ और मैं आपके सामने अपनी गवाही पेश करने जा रही हूँ। मेरी गवाही है कि मैं पहले बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी। मुझे दुष्ट आत्माएं 20 साल से लगी हुई थी और जिससे मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मुझे उन्होंने बहुत तंग किया है। मुझे अंधेरे में दुष्ट आत्माएं दिखाई देती, चलती हुई दिखाई देती थी, जिससे मैं बहुत परेशान रहती थी और घबरा जाती थी और डरती थी। और मुझे दो दुष्ट आत्माएं दिखाती थी, जैसे कि मुझे एक जेंट्स दिखाई देता था जो मेरे साथ बात करता था और मुझे डराता था, और मुझे अंधेरे में चलती हुई एक लेडीज दिखाई देती थी जो मुझे डराती थी। और उससे मुझे खाना खाने में बहुत तंगी होती थी। मैं खाना नहीं खा पाती थी और मैं खाना भी खाती थी तो मुझे उल्टियाँ आती थी और मैं खाना नहीं खा पाती थी और मैं एकदम से बिल्कुल ढीली पड़ जाती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता है कि किसी की जान ले लूँ। और मैं अपनी माँ पापा का किसी का भी कहना नहीं मानती थी कि मुझे ये क्या बताते हैं क्या बोलते हैं, मैं किसी का कहना नहीं मानती थी। और मैं बहुत गुस्से में रहती थी और गुस्से में हर एक काम करती थी कि मैं क्या करूँ। कभी कभी तो मैं गुस्से में बहुत चिल्लाती भी थी बहन के ऊपर, भाई के ऊपर, मम्मी के ऊपर, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया है और ये क्या बोलती है और क्या नहीं बोलती है। और इनको मैं पागल जैसी रहती है, पागल जैसा काम करती है कि मैं क्या काम करूं, कैसे करूं। और बहुत तंग होती थी और सोती भी नहीं थी, सोने में बहुत तंग होती है। मुझे रात में दुष्ट आत्मा सपने में दिखाई देती है और मुझे बुरे बुरे सपने होते हैं और मेरा एकदम मन नहीं लगता है कि मैं क्या करूं। और बुरी बुरी बातें, बेविचार और बुरी बुरी दुष्ट आत्मा मेरे दिमाग में और बुरी बुरी बातें सी आती थी और मैं किसी को भी बताने के लायक नहीं कि मुझे आज ये चीज़ सपने में दिखाई देती है। और मुझे उल्टियाँ आती ही खाना खाने से और मैं ना चल पाती ही, मैं ढंग से सो नहीं पाती ही, मेरा जीना हराम कर दिया है दुष्ट आत्मा ने। और मुझे दुष्ट आत्मा 20 साल से लगी हुई थी और मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी और मैं ढंग से बोल नहीं पाती थी और मैं बहुत परेशानी में थी। फिर एक दिन मेरी मौसी जी ने मुझे बताया कि चर्च में चलो, कि मैं चर्च में ले जाऊंगी, वहाँ पे आपके लिए प्रेयर की जाएगी। और मैं वहाँ पे गई, आज मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरे ऊपर प्रेयर की पास्टर। सिर पे हाथ रख के मेरे ऊपर प्रेयर किया और दुष्ट आत्मा एकदम से मेरी चले गई और मैं चिल्ला उठी और दुष्ट आत्मा मेरी चले गई। और मैंने विश्वास किया और परमेश्वर ने मेरे को एकदम से चंगा कर दिया है और मैं अच्छे से खाती भी हूँ और अच्छे से खाना भी खा पाती हूँ और चलती भी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैं अच्छी बहुत खुश जी रही हूँ, लाइफ जी रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ठीक किया है। मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं अच्छे से सब कुछ बोल पाती हूँ और मुझे अच्छे से नींद भी आता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का और धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया।